16 जून 2013 की वो काली रात जब उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भीषण आपदा आई थी, वो आपदा जिसने हजारों परिवारों को बेघर कर दिया था, वो आपदा जिसने प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की कुर्सी हिला दी थी, वो आपदा जिसके जख्म आज भी नहीं भरे हैं। लेकिन राज्य में आपदा के बाद हुए पुनर्निर्माण कार्य को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपदा को एक दशक से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज भी उत्तराखंड के राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर राजनीति करना नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ये एक दैवीय आपदा थी, लेकिन इस आपदा से बाहर निकालने के लिए पीएम मोदी ने इस पर खास ध्यान दिया और इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाकर एक बार फिर केदार वैली को बसाने का काम किया है। उत्तराखंड के भाव में मैं कहूं तो दुख तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। बड़ी संख्या में वहाँ के जो पंडा समाज था, वहाँ का जो व्यवसायी समाज था, उसको बहुत क्षति हुई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने उस दुख को कम करने का प्रयास किया है। आज भव्य केदारपुरी बनकर तैयार है और पहली बार केदार धाम के श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी हर वर्ष बढ़ती जा रही है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्य को हरीश रावत सरकार ने किया और जिस व्यक्ति ने केदारनाथ धाम के कामों में घोटाला किया था उसी नेता को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आज बीजेपी कांग्रेस के किए हुए कामों को अपना बताकर प्रचार प्रसार कर रही है। केदारनाथ आपदा के बाद भाजपा ने कहा था कि यात्रा को शुरू करने में सालों साल लग जाएंगे, मगर कांग्रेस की सरकार जवाबदेह भी और जिम्मेदार भी है। आपदा के बाद आरोप लगाए गए तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और तत्काल रूप से उनको हटाकर हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिन्होंने बड़ी तेजी से कार्य को आगे बढ़ाया। भाजपा ने क्या किया, चाल चरित्र चेहरा भाजपा।